इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 40वां स्थापना दिवस कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया है। आइए हम बात करते हैं स्वतंत्र देव सिंह जी की दिनचर्या और पार्टी के द्वारा कोरोना योद्धाओं के समर्पण में चलाए गए अभियान के बारे में। स्वतंत्र देव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। पार्टी की ओर से कोरोना योद्धाओं के लिए लगभग एक सप्ताह का अभियान चलाया गया है, इसकी क्या प्रगति रही? लगभग संपूर्ण राज्य में कोरोना महामारी एक भयानक, इसलिए संपूर्ण देश एक साथ खड़ा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है और उत्तर प्रदेश में संगठन बढ़ चढ़कर भाग लिया और हिस्सा लिया। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा किया। संगठन के भी नीचे स्तर के कार्यकर्ता, जिला, मंडल, सेक्टर, बूथ के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा किया और रात दिन परिश्रम करके ऐसे असहाय लोग जो जरूरतमंद थे, ऐसे लोगों के नजदीक नमो टिफिन यानी भोजन, जो भोजन लोगों को पहुंचाने का काम, ऐसे 90 लाख के ऊपर पैकेट भेजा गया, लगभग 15 लाख के ऊपर सामग्री लोगों को वितरण किया गया। आज भी कर रहे हैं, आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, पार्टी की स्थापना है, आज अम्बेडकर जी की जयंती है और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आग्रह किया है कैसे मंडल में, प्रत्येक मंडल में कम से कम 2 बस्तियां, गरीब बस्ती, जहां पर भोजन वितरण का काम, मास्क वितरण का काम और संकल्प भी दिलवाए लोग कि कोरोना मुक्त रहेंगे, ऐसे बस्तियों को सुनिश्चित करना है। इसलिए संगठन पूरा लगा है, सरकार भी संपूर्ण सरकार जरूरतमंदों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर जिले में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, सभी दिहाड़ी और मनरेगा मजदूरों को 88 लाख के ऊपर 88 लाख मजदूरों के खाते में 611 करोड़ वितरित हुआ है। आदरणीय योगी जी को, संपूर्ण सरकार को मैं बधाई देता हूं जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं इस राज्य को बचाने के लिए। इन दिनों आपकी दिनचर्या क्या है? आप बड़े काफी व्यस्त हैं, हम सालों से आपको देख रहे हैं, आप लगातार प्रवास पर रहते हैं, चाहे मंत्री रहे हो चाहे आप संगठन पे अन्य दायित्वों पर रहे हो, लेकिन पिछले 25 दिनों से आप भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इन दिनों आपकी दैनिक गतिविधि क्या है, दिनचर्या क्या है? प्रातः काल लगभग 6 बजे, 5:30-6 बजे को जागरण हो जाता है, फिर 6 बजे से 1 घंटा योगा व्यायाम, 7 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद फिर संपर्क करते हैं फोर्ट के माध्यम से, ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी मंडल अध्यक्ष प्रभारियों से बातचीत, जिला अध्यक्षों से बातचीत, एक क्रम में चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी सूचना आती है, नीचे संपर्क कार्यकर्ताओं से और देश से, हम सब संगठन से, देश के और जनपद और वार्ड और बूथ तक के संगठन के कार्यकर्ताओं से जुड़ने का काम रहता है। इसी तरह संपूर्ण दिन की दिनचर्या है, दिन भर का सुबह 11 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे रात तक दिनचर्या संपूर्ण रहता है, भोजन जलपान से लेकर सब इसी में रहता है और बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं से जुड़ने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।